नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जबरदस्त जीत यहां पर घोषी उपचुनाव के नतीजों के दौरान देखी जा रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत साफ तौर पर नजर आ गई है और यहां पर जिस तरीके से अखिलेश यादव की जीत हुई है उस जीत की खुशी मनाते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में घोषी उपचुनाव को लेकर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि घोषी में सपा उम्मीदवार 55,000 वोट से भी आगे जीत रहा है। उन्होंने कहा है कि सपा भारी मतों से जीतता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, घोषी की जनता ने BJP से अपने अपमान का बदला लिया है। हम पिछली बार भी चुनाव जीते थे और इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। इस दौरान मौर्य ने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राज पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने की आदत है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने की आदत है। ढींगे हाँकने की बीमारी उनको है, इसलिए वो लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन परिणाम तो जनता के हाथ में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि मौर्य ने कहा है कि घोषी की जनता अपना अपमान का बदला ले रही है। जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है उनको सबक सिखाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर अब यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की जो तस्वीर है उस पर कालिख पोछते हुए कुछ यहाँ पर लोग भी घोषी में नजर आए, जिसको लेकर ये साबित किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने कई ऐसे बयान दिए थे जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर साबित हो रहे थे। और इसी में देखा जाए तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि सपा जीत रही है और मौर्य ने कहा कि घोषी की जनता अपने अपमान का बदला ले रही है और लोग यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उन्हें धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जीत जनता की जीत है।